निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से ही शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार शासन ने पूरे प्रदेश में एक साथ आज ही के दिन शपथ ग्रहण कराने की तारीख तय की थी। प्रदेश भर में सभी एक साथ मिर्जापुर में भी आज 3 नगर पालिका एक नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड सभासदों ने शपथ लिया। मिर्जापुर के वनस्थली डिग्री कॉलेज अरोरा के खेल मैदान पर नवनिर्वाचित बसपा के अध्यक्ष गुलाम दास मौर्या और 25 वार्डों के सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ SDN चुनार डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी ने दिलाई। वहीं घटनाघर में नवनिर्वाचित बीजेपी के अध्यक्ष मनोज जायसवाल और सभासदों को जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं नगर पालिका परिषद चुनार में कांग्रेस के मंसूर अहमद और कांचवा नगर पंचायत में निर्दल पधारी यादव ने भी शपथ लिया है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल राजभर होमगार्ड राज्य मंत्री की मौजूदगी से सभी ने शपथ ली है। मंत्री ने कहा कि मिर्जापुर नगर पालिका बोर्ड जो भी प्रस्ताव बनाकर सरकार को देगी उसे स्वीकार किया जाएगा और साथ ही होमगार्ड विभाग का जब से गठन किया गया है तब से उनके मनोबल को बढ़ाया नहीं गया है। ड्यूटियों की कमी के वजह से भ्रष्टाचार इस विभाग में हमेशा से रहा है, इसीलिए हमने 25,000 ड्यूटी बढ़ाई है और 10,000 DG को बढ़ाने को कह दिया है। आज के तारीख से कोई जवान बिना ड्यूटी का नहीं रहेगा, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुलाब दास मौर्या ने कहा कि हमारा लक्ष्य अरोरा नगर की चौमुखी विकास करना है। पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए नगर में शौचालय व पार्क बनवाना है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज जायसवाल का कहना था कि किसी भी प्रकार का कमी नहीं रखा जाएगा। इसके पहले मेरी प्रदेश में सरकार नहीं थी, अब केंद्र और राज्य में भी हमारी सरकार है। अगर अध्यक्ष हमारी कोई कार्य करना चाहती थी प्रदेश सरकार रोक देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मिर्जापुर को स्वच्छ बनाया जाएगा, यही मेरा लक्ष्य है। दान के 100 लाख के लिए मैं एक गाड़ी दिया हूँ सिर्फ अपने तरफ से। आगे मैं मार्च में एक एम्बुलेंस में दूंगा अपने तरफ से और नगरवासियों के लिए। हम नगर विकास के लिए सोचे हैं कि चौमुखी विकास के लिए कि हर गली में लाइन हो, बत्ती हो, सफाई हो और यहाँ एक पार्क बनवाने के, हम पार्क जरूर बनवाएंगे अरोरा में। इस बार पहले काम होगा हमारे यहाँ अरोरा में, पहले प्राथमिकता में शौचालय ही बनवाएंगे हम। ये इसके पहले हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस नगर इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारी अध्यक्ष कोई भी काम करना चाहती थी सरकार के मंत्री क्षेत्र के विधायक टांग अड़ा देते थे, जिससे विकास रुक जाता था। उसके बावजूद मिर्जापुर में बड़े बड़े काम हुए थे, जो काम रुके हैं उसको किया जाएगा, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, ये मैं आपके सामने कह सकता हूँ। हमारी प्राथमिकता है कि नगर में 2 टाइम कूड़ा लगे, जो झाड़ू लगे, सफाई हो, स्वच्छ पानी मिले, सांड का जो आतंक है इसको समाप्त किया जाए, बंदर का आतंक है इसको समाप्त किया जाए, साथ ही साथ नगर में एक बड़ा सामुदायिक भवन जिसको प्रेक्षागृह, एक बड़ा प्रेक्षागृह बने और साथ ही गंगा के किनारे जो घाट हमारे जर्जर हैं उसको नमामि गंगे योजना के अंतर्गत सरकार से पैसा ला के उसको ठीक से जुड़धार करा के पुनः बनवाया जाए। मैंने अभी बोला कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने वाला हूँ कि मथुरा कृष्ण जी का जन्मस्थल है और कृष्ण जी की बड़ी बहन माँ अष्टभुजा देवी यहाँ विराजमान है मिर्जापुर में, तो यहाँ के लिए वो अलग से व्यवस्था करें और कल मैं मिलकर कहने वाला हूँ। मैंने ये बोला कि मैं स्वयं घंटा घर में दरबार न लगा के खुद वार्डों और गली मोहल्लों में जाऊंगा और स्थलीय निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसको दूर कराने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव में जो जनता का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो इस बात का प्रमाण है कि अब भी जनता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग बधाई भी देना चाहते हैं। और जहाँ तक मिर्जापुर की बात है, आदरणीय हमारे नव निर्वाचित मनोज भाई जो यहाँ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ये और इनका बोर्ड मिर्जापुर के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी योजनाओं को पूरा करेगी और मिर्जापुर को आगे बढ़ाएगी। आपका प्रश्न आ गया, आपके भाव में समझ रहा हूँ और सच है कि जब से इस विभाग का गठन हुआ है भैया इनके मनोबल को कभी बढ़ाने का काम नहीं किया गया और ड्यूटियों की कमी के वजह से
ड्यूटियों की कमी के वजह से भ्रष्टाचार भी इस विभाग में रहा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों ने अभी 10 दिन पहले हमने 25,000 ड्यूटी बढ़ाई है। 25,000 ड्यूटी हमने बढ़ाई है और 10,000 ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार हमने डीजी को दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख से उत्तर प्रदेश का हमारा कोई भी जवान बिना ड्यूटी का नहीं रहेगा। इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दी। मिर्जापुर से वसीम खान की रिपोर्ट।